கிளாஸ் 8th. மம்மி லெசன் படுறது இந்த பிரின்சஸ் செப்டம்பர் கா லெசன் ஹை வோ ஹம் படுற தே லெசன் 5 தே ஆப்கா கம்ப்ளீட் நீ ஹுவா தா த பர்ட் சிங்ஸ் மச் பெட்டர் தேன் த பேரட்ஸ். பிரின்சஸ் செப்டம்பர் கோ ஏக் பர்ட் மில்த்தா ஹை வோ கியா கர்த்தா ஹை கி பேரட் சே அச்சா காத்தா ஹை சேட் த கிங். ராஜா நே கஹா உஸ்கோ ஐ சுட் ஹேவ் தோட் யூ கோட் குவாய்ட் டயர்ட் ஆஃப் ஹீரிங் பீப்பல் சே கோட் சே த கிங். மே சோ மே ஹி சோச்தா ஹூ முஜே சோச்னா சாஹியே கி லோகோ யே சுன்தே சுன்தே தக் கயே ஹோங்கே கி பகவான் ராஜா கோ பச்சாயே. சேட் த குவீன். ராணி நே கஹா ஐ காண்ட் திங்க் வாய் தோஸ் கர்ல்ஸ் வாண்டட் டு டீச் தேர் பேரண்ட்ஸ் டு சே இட் டு. மே யே நீ சோச சமஜ சக்தி கி லட்கியோ நே ஐசா இஸ்கோ க்யூ சிக்காய் தோ தோ கோ ஐசா கேனா. த சென்டிமெண்ட் இஸ் அட்மரேபல். சேட் த கிங். ராஜா நே கஹா கி யே பிரசன்சனீய ஹை and I never mind how often I hear it. aur mujhko koi farak nahi padta isko main kitni baar bhi sunu. but I do get tired of hearing those parrots say pretty poorly. lekin main un toton ke ye kehne se thak gaya hu ki wo pretty poorly kyun kehte hain. they say it is in 7 different languages. said the princess. princess ne kaha ki wo isko 7 alag bhashaon mein bolte hain. i dare say they do. said the king. ha wo aisa karte hain. but it reminds me too much of my counselors. लेकिन मुझे ये अपने काउंसिल दरबारियों की याद दिलाता है. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज. एक ही बात को 7 अलग तरीकों से कहते हैं. एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. और इस बात का कोई मतलब नहीं होता जिस तरीके से वो बात कहते हैं. द प्रिंसेस इज वर वैक्स्ड एट इट एट दिस. जो राजकुमारियाँ थी वो इस बात से परेशान हो जाती हैं. एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इन डिट. और पैरट से वो उसको अच्छे वास्तव में अच्छे दिखाई नहीं देते थे. बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रो ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस. लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो सभी कमरों में दौड़ती रहती थी. सिंगिंग लाइक ए लार्क. और एक पक्षी की भांति गाती रहती थी. वाइल द लिटिल बर्ड फ्लिव अराउंड राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगल. और छोटा पक्षी है वो उसके इर्द गिर्द एक बुलबुल की भांति गाता रहता था. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. ऐसी चीज़ें कई दिनों तक चली. एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड टुगेदर. और तब सातों राजकुमारी और बच गई थी वो. उन्होंने जो 8 राजकुमारी बच गई थी उन्होंने बातें की. दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर. वो सितंबर के पास जाती है और उन उसके गिर्द घूम जाती है. माई पुअर सितंबर. बेचारी सितंबर. दे सैड. उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु का हमें बहुत दुख है. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू. तुम्हारे लिए भयानक होगा. नॉट टू हैव ए पैट बर्ड एज वी हैव. तुम्हारे पास ऐसा कोई पालतू पक्षी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं. सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर. इसलिए हम अपने सभी पैसे इकट्ठे करते हैं. एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट. और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर तोता खरीद देते हैं और पीले रंग का और हरे रंग का. थैंक यू फॉर नथिंग. कुछ भी नहीं करने के लिए धन्यवाद. सैड सेप्टेम्बर ने कहा आई हैव ए पैट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत अच्छे गीत गाता है. एंड आई डोंट नो वाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट. और मैं नहीं जानती कि धरती पर ऐसा हरा और पीला तोता होना चाहिए मेरे पास. वेल माई डियर. ठीक है प्रिय. दे सैड. उन्होंने कहा इट्स एब्जर्ट टू टॉक टू ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स. इस तोते के बारे में बात करना मूर्खता है. जब वो पक्षी चाहता है तभी आता है और जाता है. दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज. उन्होंने कमरे में देखा चारों तरफ और अपनी भुएं थी वो ऊपर उठाई. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ. दे सेड क्या तुम माइंड तो नहीं करोगी जब हम पूछेंगे तुम्हारे पक्षी इस समय कहाँ हैं. ही हैज़ गोन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ. सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने ससुर के पास गया है. एंड वाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक. क्या तुम सोचते हो वो वापस आएगा. आस्क द प्रिंसेसेस. राजकुमारियों ने कहा ही ऑलवेज डज कम बैक. वो वापस आता है. सैड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने उनको कहा वेल माई डियर. सैड द 8 प्रिंसेसेस. ठीक है प्रिय. आठों राजकुमारियों ने कहा इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस
यू डोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। यदि तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें इस तरह का कोई खतरा नहीं होगा। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वापस आता है, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लक्की, यदि तुम लक्की हुई तो पोप हिम इन टू द केज, पिंजरे में डाल देना उसको, एंड कीप हिम देयर, उसको यहीं रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, केवल एक ही तरीका है तुम्हें इसको निश्चित होने का इसके ऊपर। बट आई लाइक टू हैव फील हिम फ्लाई अबाउट द रूम, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में उड़ता फिरे। सैड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, पहली सुरक्षा, सैड हर सिस्टर्स ओमिनियसली, इनके अशुभ का संकेत करते हुए उनकी बहनों ने कहा। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अपने हाथ हिलाते हुए और सेप्टेम्बर को वो बहुत ज़्यादा अनईजी छोड़ गई, यानी कि बहुत बेचैन छोड़ गई थी।